नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ प्रीति। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान दिनों दिन तेज हो रहा है। आज महाराष्ट्र में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कल रैली की, तो वहीं एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी पार्टी के प्रचार में जुटे रहे। दूसरी तरफ हरियाणा में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोड शो करके जनता से वोट देने की अपील की। आज लोकतंत्र 2014 में हम बात करेंगे रैलियों और रोड शो की, साथ ही बताएंगे क्या है वर्धा के मुद्दे और क्यों बेहाल है चंद्रपुर के लघु उद्योग। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। चुनाव आयोग आज करेगा हरियाणा का दौरा, राज्य में चुनावी तैयारियों का लेगा जायजा, राजनीतिक पार्टी और आला अधिकारियों से मुलाकात का कार्यक्रम। दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 रैलियां, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की हरियाणा में भी करेंगी 2 सभाओं को संबोधित। महाराष्ट्र में अमित शाह का राज्य सरकार पर पिछड़ों की अनदेखी का आरोप, गठबंधन टूटने को लेकर शिवसेना बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप तेज। एमएनएस प्रमुख के आरोप पर शरद पवार का पलटवार, राज ठाकरे की राजनीति समझ पर उठाए सवाल। हरियाणा में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सत्ता विरोधी लहर से इनकार, कहा राज्य में तीसरी बार बनेगी कांग्रेस की सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा और महाराष्ट्र में आज 4 रैलियों को संबोधित करेंगे, जिसमें 1 हरियाणा के करनाल में जबकि 3 महाराष्ट्र के औरंगाबाद, बीड और मुंबई में होगी। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में 10 रैलियों को संबोधित करेंगे जबकि महाराष्ट्र में 2 दर्जन रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली प्रचार अभियान में शामिल होंगे। महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव प्रचार करने वाले बीजेपी के मुख्यमंत्रियों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के रमन सिंह, राजस्थान की वसुंधरा राजे, गोवा के मनोहर पारिकर और गुजरात की आनंदीबेन पटेल का नाम शामिल है। शुरुआत कर लेते हैं महाराष्ट्र के चुनावी समर के साथ। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने महाराष्ट्र के भगवानगढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने राज्य सरकार पर इलाके के पिछड़े वर्ग की अनदेखी का आरोप लगाया। इस मौके पर बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे भी मौजूद थी। पंकजा यहां से इस बार चुनावी मैदान में है। बीजेपी उम्मीदवार पंकजा मुंडे के लिए प्रचार करने पहुंचे अमित शाह ने लोगों को गोपीनाथ मुंडे के योगदान को याद दिलाया। उन्होंने कहा कि गोपीनाथ मुंडे ने पिछड़े और दलितों के लिए काफी काम किया है। केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, उसकी प्रमुख नीति है कि पिछड़े समाज के लोगों के कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए। इससे पहले पंकजा मुंडे ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने दावा किया कि वो राज्य में पार्टी और गोपीनाथ मुंडे का चेहरा बनकर विकास का काम करेंगी। मैं चेहरा ही बनना चाहती हूँ, मैं और कोई चीज की दावेदार नहीं। मेरे पिताजी ने इस राज्य में महायुति की सत्ता स्थापन करने की शपथ खाई थी और आज मुझे गर्व है कि सत्ता स्थापना में मेरा योगदान कोई भूलेगा नहीं, इतना मैंने कर दिया। दरअसल गोपीनाथ मुंडे बीड लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद रहे थे। भगवानगढ़ विधानसभा सीट इसी लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है। बीजेपी को उम्मीद है कि मुंडे के नाम पर लोगों की सहानुभूति पार्टी को मिलेगी और चुनाव में इसका फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना का 25 साल पुराना गठबंधन भले ही टूट गया हो, लेकिन बीजेपी ने चुनाव बाद गठबंधन की संभावनाओं से इनकार नहीं किया है। हालांकि शिवसेना का हर मंच पर बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रुख है। पुन्हा त्याच्याही पुढे जाऊन आपण बोलत होतो, चला आम्ही तुमच्यासाठी लढतो, कुठेही त्यांच्या लोकसभेच्या सीट मध्ये आपली मत कमी पडली का? तेही नाही सर। जे एवढं सगळं होत होतं, मी जेव्हा गेलो ते युतीची बोलणी करायला, खूप त्याच्यावर चर्चा झाली नंतर। मंच चाहे कोई भी हो, शिवसेना बीजेपी की आलोचना का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। जाहिर है शिवसेना मैदान में अकेले कूदने के फैसले के बाद अब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती।
शिवसेना का कहना है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र की जनता से धोखा किया है। कांग्रेस है, राष्ट्रवादी तो है ही है, लेकिन जिस भाजपा ने हमसे धोखाधड़ी किया है उसको महाराष्ट्र जनता कैसी माफ करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। दूसरी ओर बीजेपी हर मौके पर शिवसेना की आलोचना से बचती नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शिवसेना को बीजेपी के प्रति बाल ठाकरे का प्यार याद दिला चुके हैं। पुणे में गडकरी ने तो यहां तक कह दिया कि जरूरत पड़ी तो गठबंधन पर जरूर विचार किया जाएगा। बीजेपी चुनाव बाद गठबंधन की सारी संभावनाओं को बरकरार रखने की कोशिश में है। मैं इतना ही कहूंगा, जो कोई बोले है शिवसेना के उनको कहूंगा आपको पता नहीं है, अगर बाला साहब होते तो युति टूटने नहीं देते। 1989 में बीजेपी और शिवसेना का महाराष्ट्र में गठबंधन हुआ। उस वक्त से राज्य में बीजेपी की हैसियत शिवसेना के जूनियर पार्टनर की रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद बीजेपी को शिवसेना से आगे निकलने का मौका दिख रहा है। हालांकि बीजेपी ये भी बखूबी जानती है कि महाराष्ट्र में जमीनी स्तर पर पार्टी का जनाधार अब भी कमजोर है। यही वजह है कि वो शिवसेना से रिश्ते की हर संभावना को बरकरार रखना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के राजनीतिक अनुभव पर चुटकी ली और उनकी तरफ से लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया। गठबंधन के सवाल पर शरद पवार ने कहा कि अलग होने का फैसला एनसीपी का नहीं बल्कि कांग्रेस का था। उन्होंने बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार में उतरने पर भी सवाल उठाए। साबित होती है कि उनकी फायदा यहाँ के चुनाव में ज्यादा है। आज तक हम देखते थे कि भारत सरकार में हमने भी कई साल काम किया, जब चुनाव आता था तो प्रधानमंत्री सिंबॉलिक जाते थे, जाते नहीं थे ऐसे नहीं, सब प्रधानमंत्री जाते थे। मैंने इतना नहीं देखा कि इतने दिन इतनी पब्लिक मीटिंग, मगर ये एक नई स्थिति हम आज देश में देख रहे। और इससे पहले एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा था कि महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी गठबंधन एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के कहने पर टूटा। राज ठाकरे ने चारों पार्टियों में मिलीभगत होने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि शिवसेना बीजेपी ने कमजोर विपक्ष की भूमिका निभाई, जिसके चलते राज्य में कांग्रेस एनसीपी 15 साल से सत्ता में है। 15 वर्ष सत्तेवरती कसे बसू शकले, कसे राहू शकले, याचं एकमेव कारण म्हणजे शिवसेना भारतीय जनता पार्टी ही जो विरोधी पक्ष आहे ना, हा आतून मिळाला। तुमचा विश्वास नाही बसणार। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी और बीजेपी पर निशाना साधते हुए इन पार्टियों को अभिमानी करार दिया है। उन्होंने मतदाताओं से इस बार के विधानसभा चुनाव में इन पार्टियों के खिलाफ मतदान करने की बात कही। राज ठाकरे ने ये बातें उत्तरी महाराष्ट्र के तीरथपुरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही है। विधानसभा चुनाव में एमएनएस का किसी से गठबंधन नहीं है। और आप बने रहिए हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में रोजगार के अवसरों की भारी कमी है। चंद्रपुर औद्योगिक कॉरिडोर में 200 से ज्यादा लघु उद्योग बंद होने की कगार पर हैं, जिससे इलाके में नौकरियों पर बुरा असर पड़ रहा है। काले सोने का शहर चंद्रपुर रोजगार के लिहाज से विदर्भ इलाके का महत्वपूर्ण जिला है, मगर छोटे स्तर की 30 विनिर्माण इकाइयां पहले ही बंद हो चुकी हैं और महाराष्ट्र औद्योगिक विकास कॉरिडोर की कई इकाइयां बंद होने के करीब हैं। वजह है नौकरशाही की विफलता। दरअसल कारखानों के लिए ऊर्जा संयंत्रों से बिजली खरीदने के लिए बिजली खरीद समझौते को अनिवार्य बनाया गया है, जिस पर सरकार का अब तक दस्तखत नहीं हुआ है। And that pollution was because of the existing units, that like thermal power station and WCL. So whatever is being done by the existing units. सस्ती दरों पर बिजली मुहैया कराने की शर्त पर उद्योगपति अपनी इकाइयां लगाने को राजी हुए। उद्योगपतियों ने व्यक्तिगत तौर पर राज्य सरकार से बिजली खरीद समझौता देने की गुजारिश की, ताकि वो इलाके में मौजूद 3 बिजली संयंत्रों से बिजली हासिल कर सकें। लेकिन हालात नहीं बदले। इन हालात में बेहतर आर्थिक स्थिति वाले कारखाने ही टिके हुए हैं। मोर देन 120 इंडस्ट्रीज क्लोज डाउन इन आवर एरिया। चंद्रपुर इज अ आदिवासी बैकवर्ड एरिया, आल्सो अ नस्टल अफेक्टेड एरिया बिकॉज ऑफ द मिनरल्स। जायंट इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश लाइक सीमेंट प्लांट्स, 5 सीमेंट प्लांट्स इन आवर एरिया एंड दीज इंडस्ट्रीज
दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ फ्लाई ऐश एंड मिनरल। पर्यावरण नियमों के उल्लंघन की वजह से 30 फ्लाई ऐश कारखाने बंद हो चुके हैं। फ्लाई ऐश का इस्तेमाल सीमेंट उद्योग में होता है, इससे भी आसपास के इलाकों में रोजगार पर असर पड़ा है। राजकमल राव, चंद्रपुर, राज्यसभा टीवी। वही शैक्षिक शहर के नाम से मशहूर वर्धा को निजी क्षेत्र में निवेश का इंतजार है। यहाँ रोजगार सृजन के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी है। लोग चाहते हैं कि रोजगार के लिए यहाँ कारखाने लगाए जाए। वर्धा महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी नागपुर से महज 76 किलोमीटर दूर। संकरी सड़कें, ढुलमुल यातायात व्यवस्था और गंदगी बताती है कि विकास का रास्ता यहाँ से अभी गुजरा नहीं है। हालांकि इस मराठी बाहुल्य क्षेत्र में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है, जो देश और विदेश के छात्रों को आकर्षित करता है। शहर में चुनाव का माहौल जोर पकड़ रहा है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी सरकार की तरफ से किए गए कामों का वास्ता देकर वोट मांग रही है। आज हमारे पूरे वर्धा जिला के पूरे रहवासी जो वासी बंधु आज इतने तमाम हमारे खुश हैं कि जितने भी कोई काम का जो रहो, जो आरोग्य सेक्टर का रहो या कोई बांधकाम सेक्टर का रहो या शिक्षण क्षेत्र का रहो या इरिगेशन सेक्टर का रहो, वो वर्धा जिला में तारीफ़ काबिल है। वर्धा जिले की कुल जनसंख्या 12,36,736 है। यहाँ विधानसभा की 4 सीटें हैं। 2009 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार दादाराव यादव रावजी खेचे ने अरवी सीट जीती। देवली सीट पर कांग्रेस के रंजीत प्रताप राव कांबले, हिंगनघाट सीट से शिवसेना के अशोक श्यामराव शिंदे और वर्धा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार सुरेश देशमुख को मतदाताओं ने चुनकर भेजा। इस बार बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे के बल पर चुनावी वैतरणी पार करना चाहती है। All the people, they are favoring BJP because they are thinking that the center, the BJP has got government in the center, and now if the BJP has government in the state, that is going to help in the development process. यहाँ छात्र रोजगार के मौकों को लेकर चिंतित हैं। जिले में बुनियादी सुविधाओं की बेहद कमी है। इस बार चुनाव में किसानों की आत्महत्या और लंबित सिंचाई परियोजनाओं का मुद्दा बड़ा है। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी, वर्धा। और महाराष्ट्र के सबसे बड़े जिले अहमदनगर में इस बार बहुकोणीय मुकाबला है। बुनियादी ढांचों और विकास की कमियों से जूझ रहे इस जिले में बेरोजगारी बड़ा चुनावी मुद्दा है। अहमदनगर की सियासी तस्वीर पर खास रिपोर्ट। क्षेत्रफल के हिसाब से महाराष्ट्र के सबसे बड़े जिले अहमदनगर का ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व है। जिले में चारों बड़े दलों की मौजूदगी दिखाई देती है। बीजेपी, शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी की राहें अलग होने से यहां मुकाबला दिलचस्प हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि जो उम्मीदवार रहते उस पर लोगों का विश्वास होना चाहिए। वो विश्वास नगर शहर में सिर्फ मेरे में ही है कि मैं जो बोलूँगा वो करके ही दिखाऊंगा। महानगर पालिका में आप देखा जाए तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सब हमारे कॉरपोरेटर लोग यहाँ पे काम करते हैं, चुन के भी हमारे ज़्यादा लोग सबसे आज एक नंबर की पार्टी बोल के यहाँ पे अहमदनगर में हमारे पार्टी का नाम हो गया है। जिले की कुल आबादी 45,43,000 है। 12 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 4, शिवसेना और बीजेपी को 3-3 सीटें हासिल हुई, जबकि एनसीपी के खाते में 2 सीटें गई थीं। बुनियादी सुविधाओं के अभाव की वजह से जिले में उद्योग धंधों का विकास नहीं हो सका है। यही वजह है कि जिले में इस बार बेरोजगारी बड़ा चुनावी मुद्दा है। राजनीतिक दलों को भी बिजली की कमी को लेकर लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। रास्ते के खड्डे कभी डेवलप होया नहीं इधर का रास्ता, बिजली की तो हमेशा ही तकरार है। युवाओं के लिए कोई काम नहीं है इधर, फैक्ट्रीज होके भी उनको उतना मतलब बेरोजगार का साधन बहुत बढ़ गया है। महाराष्ट्र में सत्ता विरोधी लहर की वजह से जहां कांग्रेस और एनसीपी के सामने साख बचाने की चुनौती है, वहीं कभी साथ रही बीजेपी शिवसेना की राहें भी इस बार जुदा हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे को चुनौती दे रही हैं। 2014 में जब चारों ही राजनीतिक दलों की राहें जुदा हैं, तो सभी को अपने वोट बैंक में सेंध लगने का खतरा है। ऐसे में नतीजों से पहले किसी भी दल के लिए यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि आखिर मतदाताओं के दिलों में क्या है। कैमरामैन दुश्मनता के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, अहमदनगर, महाराष्ट्र। और फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद रुक करेंगे हरियाणा का।
फिर के बाद आपका स्वागत है। और अब बात हरियाणा की सियासत की। चुनाव आयोग आज हरियाणा का दौरा करके 15 अक्टूबर को होने वाले चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगा। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीकांत वालगद ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आयोग सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ भी बैठक करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दोनों चुनाव आयुक्त भी राज्य का दौरा करेंगे। चुनाव आयोग राज्य के आला अधिकारियों के साथ भी बैठक करके तैयारियों का जायजा लेगा। इसके बाद आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज हरियाणा के महम और सिरसा में दो रैलियों को संबोधित करेंगी। इस मौके पर सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी शकील अहमद, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर भी मौजूद होंगे। रैली को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोड शो किया और केंद्र के एनडीए सरकार की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीतियां हमेशा से गरीब और किसान विरोधी रही हैं। रोहतक की सड़कों से गुजरता ये काफिला हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। वो जोरदार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। जिले में रोड शो के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 9.5 साल की उपलब्धियां गिनाई तो केंद्र सरकार पर सूबे के किसानों की अनदेखी के आरोप भी लगाए। भारतीय जनता पार्टी कभी भी नीतिगत तौर पे किसान की मजदूर की जैसी पार्टी नहीं हो सकती है। तो बड़े बड़े सरकारों की पार्टी आज देखो, मैं गया था कल करनाल में, वहाँ धान का क्या हाल है, एक एक किले में 25-25, 30-30 हजार का नुकसान। आप हिसार की तरफ चले जाओ, वहाँ कपास का क्या हाल है, गेहूं का बोनस हो गेहूं का बोनस नहीं देते, कोई दवाई दुगना भाव हो गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दावा है कि राज्य में सत्ता विरोधी किसी तरह की लहर नहीं है, उन्हें जनता का पूरा समर्थन हासिल है। सारे वर्गों का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, महिलाओं का, सबका, हर वर्ग का जो है जोरदार समर्थन मिल रहा है और लोग खुश हैं। सियासी समर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी जगह जगह रैलियां कर रहे हैं। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों पर 15 अक्टूबर को मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब मैदान में उतरे हैं, कोशिश में है कि तीसरी बार भी उनकी सरकार बने। आखिर लोग क्या सोच रहे हैं। इस बीच हरियाणा में चुनावी माहौल भी काफी गर्म है। गली मोहल्लों में पोस्टर और बैनर भले ही कम दिख रहे हैं लेकिन हर मोड़ पर चौपाल लगी है जिसमें राजनीति ही चर्चा का विषय है। राज्यसभा टीवी संवाददाता रविंद्र सिंह शुरान ने रोहतक के गांव का दौरा किया और वहां के लोगों की चुनाव को लेकर राय जानने की कोशिश की। रोहतक में चुनाव आते ही गांव के बड़े बुजुर्गों के बीच की चर्चा सिर्फ राजनीति के इर्द गिर्द केंद्रित हो जाती है। कुछ लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार से खुश हैं। खुशी इस बात की कि सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, हालांकि वो पानी की व्यवस्था से काफी नाखुश भी हैं। कोई तो कह रहा है विकास का मुद्दा है, पानी का भी मुद्दा है, मुद्दे तो बतेरे हैं मगर विकास के काम हमारे बहुत अच्छे हुए हैं। इतने रोहतक तो कहते हैं कि एजुकेशन सिटी है बट विदाउट डोनेशन यू कांट गेट एडमिशन इन रोहतक यूनिवर्सिटी। रोहतक में उद्योगों की भरमार है, शिक्षा का विकास भी हुआ है लेकिन यहाँ के युवाओं को शिकायत है कि उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। रोजगार की समस्या कोई समाधान नहीं है, ना रोजगार एक समान मिले हैं। ताऊ वाली बात है, गरमत तो 10-10 हैं, 50 ग्रामत एक भी नहीं है। जैसे मान लो कोई बच्चा फिटर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, उसको मतलब नौकरी अगर गार्ड की देंगे तो कैसे काम चलेगा। रोहतक जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। माना जा रहा है कि असली मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। जाहिर है ये ही मुद्दे हैं जो पार्टियों की जीत और हार का फैसला करेंगे। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी, रोहतक। हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम अहम खबरों में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार। We'll be right back.